देखेंगे सैमसंग स्प्लिट एसी के ड्रेनेज इशू हो रहा है, जिसमें रूम में ही पानी गिर रहा है, जिससे काफ़ी परेशानी हो रहा है। मतलब ड्रेनेज लाइन से पानी बाहर जाना चाहिए, रूम के अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। अगर रूम के अंदर पानी आ रहा है तो आपको काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो जैसे आप देखेंगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखा जाए तो ये नॉर्मल सा प्रॉब्लम है, लेकिन ड्रेनेज का इशू बहुत ही मतलब अलग अलग तरह का होता है, जो इसको सॉल्व करने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। लेकिन इस वाले एसी में कोई ज़्यादा बड़ा समस्या नहीं है। मतलब ड्रेनेज जो चौक है वो इजी जगह से चौक है, जो आसानी से आप ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो दोस्तों नए हैं मेरे चैनल में, चैनल सब्सक्राइब करेंगे ताकि नेक्स्ट जो भी वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहेगा। तो इसमें देखेंगे कि अभी लगभग आधे घंटे से एसी चल रहा है, और कस्टमर का कहना था कि आधे घंटा चलने के बाद ये एसी से पानी आने लगता है, जो बाहर नहीं जाके वो अंदर में ही गिरने लगता है। लेकिन काफ़ी देर चेक कर लिए लेकिन पानी अंदर नहीं गिरा, क्योंकि ड्रेन लाइन इसका ऑलरेडी चॉक था, जिसको मैंने ऑलरेडी एसी चलाने से पहले ही क्लीन कर दिया। ठीक है, उसके बाद इसको चला रहे हैं तो अभी तक पानी इसमें अंदर नहीं गिरा, बाहर ही जा रहा है। तो अभी जैसे देखें कूलिंग कॉइल में पूरा पानी आ रहा है, पूरा स्वेटिंग हो रहा है, लेकिन पूरा पानी बाहर जा रहा है। तो ड्रेन लाइन में जैसे पहले हम दिखाएं वीडियो में आपको, तो ड्रेन लाइन उसका मुंह पूरा चौक था, जिस वजह से ड्रेन हाउस इसका पूरा फुल हो जा रहा था और पानी ओवरफ्लो होके अंदर ही गिर जा रहा था, बाहर बिल्कुल भी पानी नहीं जा रहा था। जैसे आप यहाँ नीचे देखेंगे अभी देखिए स्वेटिंग पूरा हो रहा है, क्योंकि करीब आधे घंटे से एसी चल रहा है, लेकिन ड्रेनेज अंदर नहीं हो रहा है, वो पानी बाहर जा रहा है। जैसे यहाँ देखिएगा ड्रेन लाइन यहाँ पे अंदर से पूरा चौक था, ब्लॉक था, जिसको क्लियर कर दिए तो ये पूरा बाहर पानी बाहर जा रहा है। इसमें हम दो बोतल पानी भी डाल के हम चेक किए, जो पूरी तरह से बाहर गया, अंदर एक भी बूंद पानी नहीं गिरा। ठीक है, तो आप इतना चेक कर सकते हैं पानी डाल के, क्योंकि पानी उसना बनने में टाइम लगेगा। तो अगर टाइम बचाना है तो इस तरह से आप पानी डाल के चेक कर लें, और इस तरह पानी तेज़ी से डालने से थोड़ा ड्रेन लाइन अच्छी तरह से पूरा क्लीन हो जाता है। तो आप इस तरह कर सकते हैं, और बहुत भी तेज़ नहीं डालना, तो खाना दे दीजिएगा, बहुत भी तेज इसमें नहीं डालना है, नहीं तो फिर पानी इधर उधर से आने लगेगा। तो इस तरह से आप इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर सकते हैं। लेकिन ड्रेनेज का देखा जाए तो बहुत ही इजी प्रॉब्लम है, जो नहीं तो इसमें ड्रेनेज इशू बहुत टफ होता है, जो इसको सॉल्व करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। जैसे आप देखेंगे कि ड्रेन जो बाहर साइड में देखेंगे तो पानी काफ़ी तेज़ी से गिर रहा है, मतलब ड्रेन पूरा क्लियर हो चुका है। थैंक यू दोस्तों।